तो मैं अपना आपको परिचय देना चाहूँगा, हम कौन हैं और आप कौन हैं और यहाँ पे क्या करने आए हैं, सही है ना? ये जानना सबसे ज़रूरी चीज़ें रहेगी। इंडक्शन का पार्ट क्या होता है, इंडक्शन क्यों देते हैं, ये सारा चीज़ें। तो मैं अपना परिचय दूँ, आपका नाम पहले बताइए मेरे को, क्या नाम है आपका? धर्मराज काकड़े। धर्मराज काकड़े, ओके। एज ए क्या है आप? टेक्नीशियन। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है ना सब कुछ? ओके, ठीक है। चलिए, मैं देखिए, मेरा नाम है नीरज यादव, एज ए सीनियर सेफ्टी इंजीनियर रेडियंस क्लाइंट साइट। क्लियर है? समझ गए? मतलब जितना भी इधर प्रोजेक्ट चल रहा है, O&M चल रहा है, मेरे अंडर है। क्लियर है ना? तो और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? आपके स्काई फ्री के सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है? तो उनके अंडर में आप काम करना है। क्लियर है ना? जो भी वार्तालाप होगा या जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनसे आपको डिस्कस करना है। अभी हम बात करते हैं इंडक्शन। सबसे पहले इंडक्शन का मूल क्यों हम बताते हैं। इंडक्शन सबसे पहले, कोई भी प्लांट में जाओगे आप या यहाँ पे आए हैं काम करने, हम आपको इंडक्शन देते हैं। इसका पर्पस क्या है? इंडक्शन मतलब ओवरऑल हमारे काम जो है, हमारी जो कंपनी का पॉलिसी है और इसका सेफ्टी पॉलिसीज, यहाँ का एग्जीक्यूशन टीम, वो सारा चीज़ें आपको नॉलेज रहेगा, है कि नहीं? तो आप हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, है कि नहीं? इसके लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है इंडक्शन। क्लियर है ना? ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? नंबर सेकंड बैठिए ना, कोई नहीं, उसमें वो नहीं करना है, ठीक है? इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले इंडक्शन का हमने बताया, जैसे ऑल मेंबर शुड अंडरगो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग बिफोर इंटायर साइट फॉर द साइट टाइम। मतलब ठीक है, समझ गए कि सभी लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बैठाया है। क्लियर है ना? जितने भी लोग आते हैं हमारे प्लांट के अंदर में काम करने के लिए, उनका सबसे क्या रहता है कि इंडक्शन इस प्रक्रिया प्रोसेस से जाना ही रहेगा। इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे, सबसे पहले क्या समझना होगा आपको, साइट का लेआउट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मतलब लेआउट समझते हैं, मतलब यहाँ का ड्राइंग है ना, कि कौन सा रास्ता कहाँ गया है, कौन सा एरिया कौन सा है ना, वो सारा आपको लेआउट में मिल जाएगा, है कि नहीं? है ना? समझ गए? तो एक बार ड्राइंग समझ लीजिएगा, लेआउट पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको भी पता रहेगा कि हमारा PSS एरिया से कितना दूर हमारा ब्लॉक 3 है 4 है, वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे असेंबली पॉइंट कहाँ है, वो सारा चीज़ें आपको लेआउट में मेंशन है। समझ गए बात? ठीक है, चलिए नंबर सेकंड। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, मालूम है कौन सी कंपनी है आपकी? स्काई फ्री है ना, उसकी पॉलिसीज आपको जानना है। EHS पॉलिसीज, EHS मतलब इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी का एक पॉलिसीज होता है। मतलब इन्वायरमेंट को बचाव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करना है, ठीक है? अपने सेफ्टी के लिए, अपने कलीग्स के सेफ्टी के लिए हमें कौन सा एक्टिविटी करना होता है, या क्या प्रोसेस है काम का, वो सारी चीज़ें जानना रहता है, ठीक है? जस्ट लाइक सपोज दैट EHS पॉलिसी ये बोलता है कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम का ऑथोराइजेशन लेना है ऑफिशियली, मतलब बाय परमिट। समझ गए? ये एक पार्ट हो गया। किसी भी काम को करने से पहले उसका जनरल PPs या जॉब स्पेसिफिक PPs, वो सारा चीज़ें आपको नॉलेज रहना है, वो सारा चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये देखिए, EHS विज़न क्या है, कर रहा है, वी आर कमिटेड टू प्रोग्रेस एज ए सेफ्टी वर्क प्लेस। मतलब हमारा पॉलिसी जो है आपका स्काई फ्री का, ये इन्होंने ये बता रहे कि हमारा कमिटमेंट है क्या, कि इन्वायरमेंट हेल्थ के प्रति हम क्या है, सजग है। समझ गए? इसके प्रति हम सजग है, आपको अवेयर करा रहे हैं और हम भी अवेयर है, इसके लिए इनका एक पॉलिसीज है। समझ गए? इनका मिशन क्या है, हर काम का एक मिशन होता है ना, जिसे आप काम कर रहे हैं, आप लाइफ जी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक मिशन होता है हमारा कि हमें ये अचीव करना है। तो इनका क्या है मिशन, क्या रहे क्या, वी एम नॉट टू हैव एनी एक्सीडेंट बाय द प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अवेयरनेस टू द ऑल द पर्सनल। मतलब हमारा कि किसी भी तरह का, किसी भी हमारे साइट पे किसी भी मटेरियल, पर्सन है ना, और मतलब किसी भी छोटे से छोटे इंसिडेंट तक ना हो, ये हमारा एम है, लक्ष्य है ये आपको ट्रेनिंग देने का या इंडक्शन कराने का। समझ गए? तो इस बात को ध्यान में रखना है, सिर्फ सुनना नहीं है। फिर कह रहे क्या, इन्वायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज क्या है ये बताता है। देखिए सबसे पहला नंबर वन, वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पता है ना, इन्वायरमेंट मतलब जो जैसे हमारा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, नेचुरली चीज़ें वो इन्वायरमेंट के अंदर आता है सारा चीज़, है कि नहीं? तो उसको सेफ रखने के लिए प्रोसीजर क्या है, हम जो भी अपनाएंगे हम प्रोसेस में आपको बताएंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट,
अभी हमारा टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स। टारगेट्स पता है क्या होता है कि हम एक टारगेट लेके चलते हैं, जैसे हमने आपको बताया इंश्योर वाटर कंजप्शन फॉर मॉडल क्लीन। मतलब देखिए हमारा टारगेट क्या है, जैसे अभी पार्टिकुलर में बता देता हूँ, यहाँ पे सोलर प्लांट है, ठीक है ना। सोलर प्लांट में जो है क्या क्या लगता है, सपोज दैट क्या क्या एक्टिविटी होती है, मालूम है, बताइए, मालूम है आपको, नहीं मालूम है, ओके ठीक है ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, सोलर लगे हुए हैं, इसमें क्लीनिंग का काम होगा, ठीक है ना, मतलब वाटर से या ड्राई उसको क्या बोलते हैं, जो रोबोटिंग ना, रोबोट से होगा, रोबोट क्लीनिंग है ना, ग्रास कटिंग, और आपका इलेक्ट्रिकल का काम, SMB चेकिंग है ना, विजुअल इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्लियर ना, समझ गए बात। तो ये एक्टिविटी है, इसमें जो काम करने से पहले आपको जाना है वो सारा चीज़ें, जो प्रोसेस है हमारा, फॉर एग्जांपल पहला परमिट, दूसरा हमारा स्पेसिफिक PPs हमने जो बताया पहले ही, ठीक है ना, वो सारा चीज़ें आपको क्या करना है, फॉलो करना है, क्लियर है, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, साइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ERP समझते, ERP का मतलब होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। सपोज दैट मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का इमरजेंसी हो जाती है, तो उस तरीका में आपको उस समय में आपको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ें भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। सबसे पहले कि आप यहाँ पे तीन ब्लॉक है अभी फिलहाल में, चार जो है तीन ब्लॉक, ब्लॉक 3-4 साथ में है, ब्लॉक 2 सामने है, ठीक है, वो लेआउट में आपको पता चलेगा, क्लियर है ना। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है शायद, हो गया क्या, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं हुआ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं उसमें कि इमरजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल टीम है ना, सपोज दैट आपके ये सर है ना, आपके हम लोग हैं, तो उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा पूरा, अगर सपोज दैट किसी तरह का इंजुरी किसी को हो गई, इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी पहले समझना होगा, हाँ इमरजेंसी पहले समझना होगा, इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, इमरजेंसी क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल समझिए, अगर आग लग गई सपोज दैट कहीं, इमरजेंसी है ना, पूरा जल जाएगा, है कि नहीं, इमरजेंसी है, किसी को इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो इमरजेंसी है कि नहीं, कोई अपने मिसबिहेव करके वो भी लड़ गया, वो चोटी लग कर दिया एक दूसरे को, वो भी इमरजेंसी है। ऐसे घटनाओं को, ऐसे मतलब जो भी ये हो रहा है, इंसिडेंट एक्सीडेंट या हजार्ड्स कुछ आपको दिख रहा है, तो तुरंत सबसे पहले आपको ERP के तहत क्या करना है वही हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखना है, ठीक है, समझ गए। आप फर्स्ट एडर नहीं है ना, फर्स्ट एडर है क्या, सॉरी फर्स्ट एडर है क्या, फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर मतलब होता है फर्स्ट एड, जैसे किसी को चोट लग गया तो आपको आता है क्या, नहीं ना, फर्स्ट एड, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो हम चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सीनियर को बताना है, लाइक सेफ्टी ऑफिसर को, आपके जो इंचार्ज है उनको, या जिस पर डिटेल दिया गया वो है ना, उससे पहले आपको क्या करना है, सपोज दैट किसी को ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर आप कर सकते हैं तो आपने एंड से मतलब बांध सकते हैं थोड़ा मोड़ा, समझ गए, लेकिन इमरजेंसी में उसको क्या करना है, पहले जो रिस्पॉन्सिबल टीम है बुलाना है, क्लियर है ना, समझ गए, क्लियर है। अभी देखिए अगर किसी तरह का आग लग गई या कुछ हो गया तो हम कहाँ भागेंगे, आपको पता नहीं रहेगा ना, असेंबली पॉइंट पे जस्ट, ओके। असेंबली पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है असेंबली पॉइंट जिसमें कि वो सारी खतरे को मिटिगेट करके हटा के, मतलब ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ आदमी सुरक्षित जा सके, अगर कहीं लगा हुआ है कि नहीं, वो एक असेंबली पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारे ब्लॉक में कितना असेंबली पॉइंट है और कहाँ पे है, लेआउट में आपको पता चलेगा, क्लियर है ना। तो असेंबली पॉइंट पे आपको जाना रहेगा अपने टीम को लेके, आपके साथ में जो भी रहेंगे ना उनको लेके जाना रहेगा सेफली, दौड़ के कभी भी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी होती है ना, मतलब अपने माइंड को ऐसा सेट नहीं कर देना, हड़बड़ाना नहीं है, जो है आराम से, जो हम काम कर सकते हैं आराम से, मतलब तेज़ी में करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं, नहीं तो अभी और खतरा बढ़ जाएगा। सपोज दैट भाग गए, भागना शुरू किए, कुछ टकरा के गिर गए, मुँह हाथ बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, ते भी ध्यान देना रहेगा, क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट सातवां हमारा स्लाइड बोलता है साइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मैंने अपने बता ही दिया आपको, ठीक है ना, फायर लगेगा तो क्या करना है, ठीक है ना, समझ गए ना, इन्फॉर्म करना है आपको सबसे पहले, आप सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते, बाकी हमारी टीम करेगी, ठीक है ना, समझ गए। जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, अगर किसी को चोट हो गई या वो मोश हो गया, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको उठा के आप, अगर आपके पास बांधने का कुछ है फर्स्ट एड, मतलब ऐसे छोटा सा कर सकते हैं, बाकी हमारा टीम करेगी, उसके लिए स्पेशल टीम है, क्लियर है ना, ये बात ध्यान रखिएगा।
और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अभी सपोज इधर जैसे हमने बोला कहीं आग लग गया, तो आग के लिए आप पहले इन्फॉर्म नहीं करना है, पहले आप जितने भी वहाँ पे लोग हैं, जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाते कैसे, ठीक है ना, वो हम ट्रेनिंग ऑलरेडी लोगों को दे चुके, आपको भी मिलेगा, तो वो तो इन्फॉर्म करना ही है, एक आदमी इन्फॉर्म करेगा कि हाँ यहाँ पे आग लगी है, इमरजेंसी हुई है, लेकिन दूसरा आदमी या जो भी लोग है क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका घास में आग लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, अगर इलेक्ट्रिकल में कुछ लग गया तो CO2 यूज़ करना है, ठीक है ना, अगर घास में लगा है तो वाटर टाइप यूज़ करना है या DCP यूज़ करना है, वो सारा चीज़ कैसे यूज़ करना है वो भी हम बताएंगे, क्लियर है ना। तो ये फायर फाइटिंग का एक क्या करना है हमारा सिस्टम है, तो इसमें एक पास मेथड होता है, जैसे आपको बता देता हूँ अभी, जैसे मान लीजिए कि आपका DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, तो देखा आपने कभी कि नहीं देखा है ना, हाँ ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसका पिन होता है ऊपर, उसको पिन को पुल करना है, क्या करना है, खींचना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको फायर जहाँ लगा है उसका एम करना है, एम समझते हैं, मतलब उसको जैसे हम एम लेते हैं ना किसी चीज़ को मारने के लिए, कि हाँ भाई फायर यहाँ पे लगा है, और हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर करना है, समझ गए। फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या है, एक्सक्यूज द हैंडल, मतलब उसमें हैंडल दबाइएगा ना तो नीचे उसका पाउडर निकलेगा बाहर, जिससे वो क्या आग बुझेगा, अगर छोटा मोटा आग होगा तो, वैसा नहीं कि पूरा आग लग गया नूडल में ही या बहुत सारा, तो उसको आप इससे नहीं बुझा सकते, बाहर कोशिश करना है कि हम इसे बुझाएं, अगर नहीं बुझने वाला तो या मतलब इमीडिएट हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है ताकि आगे वाले भी एक्शन ले सके, समझ गए क्या बात। हाँ। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हाँ हाँ नहीं करना है, ये सिर्फ भी यहाँ पे वीडियो नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपको समझना भी है चीज़ें है कि नहीं, सीरियसली चीज़, और आपको फेस करना है, अले आप टेक्नीशियन है ना। हाँ। आपको चीज़ें मिलेंगी सब साइड पे, समझ गए बात, फायर फाइटिंग। हाँ छोटा सा जो हमने बताया आपको एक टेक्निक, ठीक है, और फायर फाइटिंग टेक्निक व्हेन फेस्ड विथ अ फायर फाइटिंग, तो ओके ये तो हमने बता ही दिया, कोई नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये चीज़ें हमने बता रहा था, कौन कौन सा, जैसे अभी देख लीजिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा फायर में, कौन कौन सा जैसे छोटा मोटा फायर लग गया, तीन चीज़ें आप बेसिक समझ लीजिए। आपको ना अगर किसी घास में आग लग गई, ठीक है, या किसी लकड़ी में आग लग गई, या किसी तरह का वहाँ पे डस्ट रखा हुआ है, या मतलब स्क्रैप रखा हुआ उसमें आग लग गई, तो आपको वहाँ पर DCP मिलेगा। DCP समझते हो, ड्राई केमिकल पाउडर रहता है वो टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, उससे बुझाना है, क्लियर है ना। अगर आपको इलेक्ट्रिकल मतलब पैनल में आग लग गया, जो ICR है उसमें लग गया, तो उसके लिए CO2 टाइप होता है, कौन सा, ब्लैक वाला कार्बन डाइऑक्साइड, उससे आपको मुंडी घुमाना है उसका, और साय करके उसका एक पकड़ने के लिए रहता है, उसमें पकड़ना है, ठीक, नहीं तो अगर उसका पाइप पकड़िएगा ना तो आपको क्या कोल्ड बर्न हो जाएगा, उतना ठंडा रहेगा ना आप हाथ आपका जम जाएगा, ऐसा रहेगा, उसका हैंडल पकड़ना है, समझ गए।